Hello students, how are you? My name is Amir and I'm your English trainer, and today in this class I'm going to teach you future continuous tense. Previous classes में हमने present tense पूरा का पूरा finish कर लिया है, साथ ही साथ हमने past भी finish किया और future indefinite तक complete कर लिया है. हमने IDs देख ली है, कहाँ पे उनका इस्तेमाल करेंगे, यहाँ सारा कुछ हमने देख लिया है. आज की क्लास बेस्ड होने वाली है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस पे. अगर आपको प्रीवियस क्लासेस देखनी है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जाकर आप वहां से उन वीडियोस को चेकआउट कर लीजिए, उन क्लासेस को देख लीजिए, या फिर आप आई बटन पे हिट करके भी उन क्लासेस को देख सकते हैं. आज की ये क्लास पूरी की पूरी बेस्ड है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस पे. तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की आईडी यानी पहचान क्या है. अगर हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की आईडी की बात करें तो आईडी जो हमें कॉलेजेस में पढ़ाई जाती है बचपन से, जो हम पढ़ते चले आ रहे हैं स्पेशली यूपी मीडियम में, तो वो आईडी होती है जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे. जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं, ऐसे वाक्यों को हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनाते हैं. यानी वाक्य के अंत में अगर आपको कहीं पे भी रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे इस टाइप के वर्ड्स मिल जाएंगे, आप उन्हें फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनाओगे. मैंने पहले भी बताया था कि इंग्लिश बोलते समय हमारे पास भी हम वाक्य के अंत में क्या होगा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें फटाफट इंग्लिश बोलना है तो हमें दूसरे कॉन्सेप्ट को फॉलो करना पड़ेगा. इंग्लिश बोलते समय फिर हमें क्या करना है, इंग्लिश बोलते समय हम क्या चीज़ दिमाग में रखेंगे, तो अगर हम इंग्लिश बोलते समय जो इस्तेमाल की जाने वाली आईडी है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की, वो आईडी है जब भी हम सब्जेक्ट के भविष्य में किसी इंडिविजुअल टाइम पे कोई कार्य कर रहे होने के बारे में, अर्थात सब्जेक्ट के व्यस्त होने के बारे में बताते हैं या किसी से भी पूछते हैं, ऐसे वाक्यों को हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनाते हैं. मतलब कह रहा है सब्जेक्ट के भविष्य में किसी इंडिविजुअल टाइम पे कोई कार्य कर रहे होने के बारे में जब भी हम बताएंगे. जैसे कि एग्जांपल के तौर पर अगर मैं बोलता हूँ मैं कल सो रहा हूँ, ठीक, मैं कल सो रहा हूँ, तो यहाँ पर अगर वाक्य में रहा ही रहा होगा और कल सो रहा हूँ मतलब कल सोने में व्यस्त हूँ, वह क्रिकेट खेल रहा होगा, वह क्रिकेट खेलने में व्यस्त है. यानी कि जब भी आप भविष्य में किसी इंडिविजुअल टाइम पे सब्जेक्ट के व्यस्त होने के बारे में बताते हो, ऐसे वाक्यों को आप फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनाते हो. एक एग्जांपल और देखते हैं और अच्छे समझने की कोशिश करते हैं. वह कल घर आ रहा होगा, इसे बनाना है तो कैसे बनाएंगे, हम पता चल गया कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है. इसको बनाने के लिए हम सिंपली रूल क्या इस्तेमाल करेंगे, तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का रूल है सब्जेक्ट प्लस विल या शैल में से एक प्लस बी, फिर वर्ब आएगी आईएनजी फॉर्मेट में, देन ऑब्जेक्ट और फिर बचा हुआ पोर्शन आपका आ जाएगा. यानी सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल या शैल में से एक, फिर बी एंड देन वर्ब आईएनजी फॉर्मेट में, ऑब्जेक्ट और फिर बचा हुआ पोर्शन आपका आ जाएगा. यानी सेंटेंस था वह कल घर आ रहा होगा, वह कल घर आ रहा होगा, सब्जेक्ट है वह, और यहाँ पर अगर हम हेल्पिंग वर्ब बात करें तो विल का यूज करेंगे. आना होता है कम मीन्स, तो वह कल घर आ रहा होगा, इसे में बनाना है तो कैसे बनाएंगे हम, इसे बनाएंगे हम ही विल बी कमिंग होम टुमारो, ही विल बी कमिंग होम टुमारो. अगला सेंटेंस यहाँ पर देख लेते हैं, हम कल यहाँ खेल रहे होंगे, हम कल यहाँ खेल रहे होंगे. अब यहाँ पर हम देखेंगे तो सब्जेक्ट क्या है, हम, और यहाँ पर खेल रहे होंगे, ये आपका मेन सेंटेंस हो गया. यहाँ हम इसे लास्ट में लगा सकते हैं. तो यहाँ पर जो सेंटेंस बनेगा, सबसे पहले हम यानी वी, हमने कहा हेल्पिंग वर्ब आपको स्पीकिंग में विल का ही यूज करना है, शैल का यूज नहीं करना, तो वी विल बी, खेलने के लिए हम लोग प्ले का यूज करते हैं तो प्लेइंग आ जाएगा, वी विल बी प्लेइंग हियर टुमारो, वी विल बी प्लेइंग हियर टुमारो, वी विल बी प्लेइंग हियर टुमारो. अगले सेंटेंस की अगर हम बात करें तो अगला सेंटेंस लिखा है तुम वहाँ कल हिंदी इस समय पढ़ा रहे होगे, तुम वहाँ इस समय कल हिंदी पढ़ा रहे होगे. तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, तुम, और कर क्या रहे होगे, पढ़ा रहे होगे. मेन सेंटेंस आपका ये हो गया तुम पढ़ा रहे होगे, तो यू विल बी टीचिंग, तुम पढ़ा रहे होगे, यू विल बी टीचिंग क्या, हिंदी, यू विल बी टीचिंग हिंदी, कहाँ, वहाँ, देयर, इस समय, इन दिस टाइम, टुमारो, यू विल बी टीचिंग हिंदी देयर टुमारो इन दिस टाइम, या यू विल बी टीचिंग देयर हिंदी टुमारो इन दिस टाइम. ठीक है, क्लियर हो गया. अगला सेंटेंस लिखा हुआ है हम अगले साल दिवाली मना रहे होंगे, तो फिर हम मना रहे होंगे, पहले ये वापस सेंटेंस बनेगा हम मना रहे होंगे, यानी वी विल बी सेलिब्रेटिंग, वी विल बी सेलिब्रेटिंग क्या, दिवाली नेक्स्ट ईयर, वी विल बी सेलिब्रेटिंग दिवाली नेक्स्ट ईयर.
ये हो गए आपके सारे के सारे अफर्मेटिव सेंटेंसेस, साधारण वाक्य। अगर हम बात करें अब नेगेटिव सेंटेंसेस की, तो नेगेटिव सेंटेंसेस को हम कैसे बनाएंगे? नेगेटिव सेंटेंसेस में बस फर्क इतना रहेगा रूल में कि आपको विल नॉट बी, यानी बीच में आपको विल या शैल जो भी आता था उसके बाद में आप जब बी लगा देते, उसके बीच में आपको नॉट लगा देना है। यानी रूल क्या रहेगा, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल में से प्लस नॉट प्लस बी, वर्ब आईएनजी फॉर्मेट में ऑब्जेक्ट और बचा हुआ ऑप्शन आपका आ जाएगा। यानी सेंटेंस लिखा है वह घर वापस नहीं आ रहा होगा, वह घर वापस नहीं आ रहा होगा, हमें बनाना है तो सबसे पहले वह यहाँ पर है रहा होगा, नहीं वापस, वह घर वापस नहीं आ रहा होगा, तो ही विल नॉट बी रिटर्न मीन्स वापस होना, ही विल नॉट बी रिटर्निंग कहाँ घर, तो ही विल नॉट बी रिटर्निंग होम, ही विल नॉट बी रिटर्निंग होम। अगला सेंटेंस है वह खाना नहीं खा रहा होगा, तो वह नहीं खा रहा होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट यानी वह, इसे हम बनाएंगे वह यानी ही, और फिर विल नॉट बी, विल नॉट बी, एंड देन खाने के लिए हम लोग ईट या टेक का यूज करते हैं, तो ही विल नॉट बी हैविंग फूड, कर लो आप हैविंग, हाँ फूड ही करेंगे, हैविंग या टेकिंग फूड कर लो आप, दो में से कुछ भी लगा लो, तो ही विल नॉट बी हैविंग फूड या ही विल नॉट बी टेकिंग फूड, ठीक है। तो ये सेंटेंस आपका बन जाएगा। अगला सेंटेंस है तुम, वह तुम्हें कुछ नहीं बता रहा होगा, तो वह नहीं बता रहा होगा, तो यहाँ पर हम पहले लिखेंगे वह, फिर नहीं बता रहा होगा, तो ही विल नॉट बी टेलिंग यू एनीथिंग, ही विल नॉट बी टेलिंग यू एनीथिंग, ये आपका सेंटेंस बन गया। ये हो गए नेगेटिव सेंटेंसेस। अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को दो कैटेगरीज में बांटा गया है, एक वो जिनमें क्या शब्द वाक्य के स्टार्टिंग में आते हैं, इनका रूल रहता है, सबसे पहले आता है जो भी आपका हेल्पिंग वर्ब है वो आ जाएगी विल या शैल में से, फिर सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद बी आएगा, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्मेट में आएगी, ऑब्जेक्ट और बचा हुआ पोर्शन आपका आ जाएगा। सेंटेंस है क्या हुआ शाम को घर वापस आ रहा होगा, क्या आया है, या पर हम क्या इंग्लिश क्या लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, तो विल ही बी, विल ही बी रिटर्निंग होम इन द इवनिंग, विल ही बी रिटर्निंग होम इन द इवनिंग, सबसे पहले क्या के लिए हमने विल का यूज कर दिया, इसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे सब्जेक्ट क्या था, तो वह हो गया, इसके बाद है यहाँ पर बी आ जाएगा आपका, और फिर वापस आना होता है रिटर्न मीन्स, तो यहाँ पर हो जाएगा विल ही बी रिटर्निंग होम इन द इवनिंग। अगला सेंटेंस यहाँ पे लिखा हुआ है क्या वे मैच जीत रहे होंगे, क्या वे मैच जीत रहे होंगे, तो सबसे पहले क्या की इंग्लिश, तो विल दे बी विनिंग मैच, विल दे बी विनिंग मैच, ये हो गए टाइप वन ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अब हम देखते हैं टाइप टू। टाइप टू में क्या होता है, जिसमें क्या क्यों कब कैसे किसने कहा किसको वाक्यों के बीच में आते हैं। इनके लिए अगर हम बात करें रूल क्या रहता है, तो इनका रूल रहता है सबसे पहले वही क्वेश्चन वर्ड लिखा जाता है, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो भी विल या शैल में से एक, देन आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर बी आएगा, वर्ब आएगी आईएनजी फॉर्मेट में, फिर बचा हुआ पोर्शन आपका आ जाएगा। वह घर क्यों वापस आ रहा होगा, अब इसमें समझने के क्वेश्चन वर्ड क्या है क्यों, तो सबसे पहले हम इसी की इंग्लिश लिखेंगे, तो आ जाएगा व्हाई, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल, तो व्हाई विल ही बी रिटर्निंग होम। अगला सेंटेंस है तुम क्या खा रहे होगे, तो वाक्य में आया है क्या बीच में, क्या, तो व्हाट विल यू बी टेकिंग कर लो, या व्हाट विल यू बी हैविंग। ये हो गए आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। हमने क्या किया, हमने फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस सीख लिया है। अब मेन चीज यहाँ से स्टार्ट होती है, हम इंग्लिश बोलते समय कब इसका इस्तेमाल करेंगे, तो भविष्य में जब भी आप अपनी व्यस्तता को बताएंगे, एग्जाम्पल मान लीजिए मैं दिवाली के बारे में बात करता हूँ, जब दिवाली आएगी तो हम क्या क्या करने में व्यस्त होंगे, हमारे सामने अगर यहाँ पे टॉपिक लिख दिया गया है कि माय इनकमिंग दिवाली या अपकमिंग दिवाली, आने वाली दिवाली, तो उसके बारे में अगर हमसे बोला जाएगा कि बोलिए कुछ, तो हम क्या बोलेंगे, एग्जैक्टली दिवाली के दिन हम क्या क्या कर रहे होंगे, तो इसे इंग्लिश में लिखा गया है, क्या लिखा है, वी विल बी सेलिब्रेटिंग दिवाली विद ग्रेट पंप एंड शो, आने वाली दिवाली हम लोग खूब धूमधाम से मना रहे होंगे, विद ग्रेट पंप एंड शो, खूब धूमधाम से मना रहे होंगे। लास्ट ईयर आई कुडंट सेलिब्रेट दिवाली बिकॉज आई वॉज आउट ऑफ स्टेशन, बट दिस ईयर आई विल लीव नो स्टोन अनटर्नड टू मेक दिस डे मेमोरेबल, पिछले साल मैं दिवाली ठीक से नहीं मना पाया क्योंकि मैं घर से बाहर था, इस साल मैं दिवाली मनाने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, दिवाली के दिन को यादगार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। लीव नो स्टोन अनटर्नड का मतलब होगा कोई कसर ना छोड़ना, ठीक है। आगे लिखा हुआ है वी विल बी क्लीनिंग अवर हाउसेस एंड बिजनेस प्रमाइसेस बिफोर दिवाली, दिवाली से पहले हम अपने घरों की,
अपने व्यापार प्रांगणों की सफाई कर रहे होंगे। There will be a lot of crowd in the shopping centers on the day of Diwali. There will be a lot of crowd in the shopping centers of day of Diwali. People will be looking in their best dresses. कह रहा है दिवाली के दिन खूब सारी भीड़ होंगी, दिवाली के दिन आपके शॉपिंग सेंटर्स पे, या मान लीजिए शॉपिंग सेंटर से थोड़ी सी पहले से ही शॉप भीड़ होने स्टार्ट हो जाएगी। जब दिवाली का दिन आएगा तो दिवाली के दिन लोग अपने बेस्ट ड्रेसेस में होंगे, अपने सबसे अच्छे वाले कपड़ों में सबसे लुक अच्छा दे रहे होंगे। दिवाली का दिन आएगा, लोग अपने अच्छे अच्छे कपड़े पहनेंगे, फिर रात आएगी तो लिखा हुआ है एट नाइट वी विल बी वर्शिपिंग गॉड लक्ष्मी एंड लॉर्ड गणेश द गॉड ऑफ वेल्थ। वी विल बी वर्शिपिंग, हम पूजा कर रहे होंगे गॉडेस लक्ष्मी, देवी लक्ष्मी की, एंड लॉर्ड गणेश द गॉड ऑफ वेल्थ। हम भगवान के देव और देवी और देवता आप कह सकते हो, लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा कर रहे होंगे। आगे लिखा हुआ है पीपल विल बी डेकोरेटिंग देयर हाउसेस विद द रोज ऑफ लाइट। कहते हैं लोग अपने घरों की सजावट प्रकाश की पंक्तियों से करेंगे, लोग दीपक जलाते हैं, दीपक से लोग अपने घरों की सजावट करेंगे। आगे द चिल्ड्रंस विल बी प्लेइंग विद द क्रैकर्स, बच्चे पटाखों के साथ खेल रहे होंगे या पटाखों से खेल रहे होंगे। दिस होल अर्थ विल बी लुकिंग लाइक हेवन दैट डे। कहते हैं उस रात आप कह लीजिए, दिन कह लीजिए, उस रात या उस दिन ये पूरा का पूरा जो धरती है, पूरी की पूरी अर्थ है, ये स्वर्ग के समान खूबसूरत अच्छी दिख रही होगी। तो यहाँ पर आपने देखा लगभग लगभग 95% सेंटेंसेस फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में बोले गए हैं। कॉन्सेप्ट को समझेंगे आप तो फ्यूचर में जब भी आप अपनी व्यस्तता को बताएंगे वहां पर आप फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के बारे में फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करेंगे। आज की क्लास में फिलहाल इतना ही। आज की क्लास में हमने देखा फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। बहुत जल्द हम फिर से मिलेंगे एक नई क्लास में। क्लास का जो भी फीडबैक है, जो भी आपको लगता है क्लास में और अच्छे से होना चाहिए था, आप उसे कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिए। आई विल जस्ट ट्राई टू रिकवर दैट थिंग कि मैं अगली बार में वो चीज़ें सही कर सकूं। आज की क्लास में फिलहाल इतना ही। बहुत जल्द हम फिर से मिलेंगे एक नए टॉपिक में बात करते हुए। तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिए, इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।